प्रॉन शाकुती बनाने के लिए हमें चाहिए 6 झींगे या प्रॉन्स, 100 ग्राम कटा प्याज, 1 छोटी चम्मच इमली का पानी, 25 मिलीलीटर तेल, 25 मिलीलीटर नारियल का दूध। पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम कटा प्याज, 5 ग्राम अदरक, 1 बड़ी चम्मच कसा नारियल, आधा छोटी चम्मच हल्दी। पाउडर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 4 हरी इलायची, 10 ग्राम लाल मिर्च, 1 फूल चक्री, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना, 4 लौंग, 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटी चम्मच खसखस, 1 टुकड़ा जावित्री, आधा छोटी चम्मच सौंफ, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटी चम्मच सरसों, 1 चुटकी जायफल पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। शुरुआत कहाँ से करेंगे शेफ? इसके लिए हमें 2 पेस्ट बनानी है, एक ड्राई मसाला पाउडर है और एक मैरिनेशन है जिसमें हम प्रॉन को मैरिनेट करके रखते हैं। ओके, ये पेस्ट किस लिए बनाएंगे हम? ये मैरिनेशन के लिए है। ओके, और इसमें हम प्रॉन मैरिनेट करके रखेंगे 1 घंटे तक। ऑलराइट, कोकोनट ग्रेटेड, कोकोनट डालेंगे, जिंजर, अदरक और इसके साथ ही हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। ओके, प्रॉन की मैरिनेशन का जो पेस्ट है जी वो रेडी हो गया आपका। बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा कोर्सी होता है, दरदरा रखा है इस पेस्ट को। और अब इसमें मैरिनेट करेंगे प्रॉन, और इसे हम 1 घंटे तक मैरिनेट करेंगे। 1 घंटे तक मैरिनेट करके रखेंगे। और प्रॉन्स हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इज देयर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस डिश? आप नॉर्मली यही सीक्रेट प्रॉन यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। ये मैरिनेट हो गया है जी, अब इसे रखेंगे 1 घंटे तक। और नेक्स्ट स्टेप शेफ? नेक्स्ट स्टेप, ये जितने भी आप स्पाइसेस देख रहे हैं जिसमें नटमेग पाउडर है, मस्टर्ड सीड्स है, लौंग, इलायची, दालचीनी, सरसों, काली मिर्च, जावित्री और खसखस, हाँ, पॉपी सीड्स, खसखस, धनिया पाउडर, मेथी दाना, लाल मिर्च, स्टार एनिस या जैसे हम फूल चक्री भी कहते हैं, जीरा और तेज पत्ता। इन सबको हमें आप केवल हल्का सा ड्राई ब्रॉइल करके जी एक पैन में, गरम पैन में हल्का सा सौते करके एक का पाउडर बना लें। ओके, तो आपके पास पाउडर रेडी है? हाँ, मेरे पास पाउडर ये रेडी है, ऐसा आएगा ये इस कलर का। ओके, और जो प्रॉन भी हमने मैरिनेट करके रखे हुए हैं क्योंकि उसको रखना पड़ता है 1 घंटे तक, तो ये प्रॉन भी आपके मैरिनेटेड है। तो अब इससे आगे हम शुरुआत करें। ओके, पैन गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला जा रहा है और इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्लाइस अनियन। ओके, और अभी आप देखिएगा इसका कलर क्या आता है एंड में, क्योंकि ये येलो है, येलो है, हाँ। ये रेडिश है। ओके, तो कलर जो आएगा ग्रेवी का वो तो ब्राउन ही आएगा, ऑरेंजिश ब्राउन आता है, ब्राउन। ऑलराइट, ये अनियन हो गए आपके कुक, तो हम डालेंगे जो प्रॉन आपने मैरिनेट करके रखे हुए हैं। ओके, हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ओके, बारी है सर वो पाउडर डालने की जो हमने तैयार किया है, कॉल इट शाकुती पाउडर, शाकुती पाउडर। और इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी? बिकॉज एज यू सेड ये ग्रेवी आइटम है, कोकोनट मिल्क से डालेंगे आप कोकोनट मिल्क। आप इसमें डालेंगे पानी, थोड़ी सी ग्रेवी का ऑरेंज, नहीं अभी इसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। So this is done, Chef? Yes, this is done. इसको हम finish करते हैं थोड़े से और मसाले से, ताकि flavor end तक रहे, और tamarind. Tamarind यानी इमली. थोड़ा सा tanginess के लिए इसमें इमली का पल्प डाला जा रहा है। Prawn shakuti ready है आपका? जी. Color हो ही गया brownish. Now it's your turn to taste it. Thank you. Again the coconut flavor. नाइस एंड डिफरेंट। वेजिटेबल कालदीन में भी काफ़ी सारे कोकोनट का इस्तेमाल हुआ था और इसमें
शाकुती में भी बहुत ज़्यादा कोकोनट डाला, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ग्रेवीज फिर भी बहुत फ़र्क हैं। तो आप ट्राई कीजिए प्रॉन शाकुती, साथ ही नोट कीजिए इसका झटपट सा रिकैप और देखिएगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। प्रॉन शाकुती बनाने के लिए सभी सूखे मसालों को पीसकर पाउडर मसाला तैयार करें। प्याज, अदरक, कसा नारियल, हल्दी और पानी मिलाकर पीस लें और पेस्ट तैयार करें। तैयार पेस्ट में झींगों को एक घंटे तक मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करें, इसमें मैरिनेटेड झींगों को पकाएं। इसमें नारियल का दूध और पिसा मसाला मिलाएं। ऊपर से पानी, नमक और इमली का पानी मिलाकर कुछ देर और पकाएं। तैयार झींगों को गर्मा गर्म परोसें।